नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है शाम तक की देश प्रदेश के 11 बड़ी खबरों में। भारत में कोरोना के पहले मामले की हुई पुष्टि। अभी तक भारत से बाहर फैले कोरोना का एक मामला भारत में भी मिल गया है और यह मामला है केरल का, जहां पर वुहान से लौटे छात्र में कोरोना के लक्षण मिले हैं। हालांकि अभी उस छात्र की हालत स्थिर है और उसे अभी चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। वहीं भारत में एक छात्र में इसके पॉजिटिव मिलने से भारत में इसके फैलने की आशंका को हवा मिल गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना इस समय चीन में फैला है, जिसकी वजह से अब तक 107 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जीतन राम मांझी और पप्पू यादव बिहार में एक साथ करेंगे मंच साझा। महागठबंधन दल में बिफरे चल रहे जीतन राम मांझी अब जा प्रमुख पप्पू यादव के साथ एक साथ मंच पर नजर आने वाले हैं, जिसके बाद से इन दोनों नेताओं के एक साथ होने की अटकलेबाजियां भी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब दोनों नेता मिलकर MD समीकरण यानी कि मुस्लिम दलित समीकरण पर भी काम करते नजर आएंगे। एक साथ मंच साझा करने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि CAA और NRC को लेकर हम और जाप दोनों मिलकर लोगों के बीच जाएंगे और सरकार की असलियत सामने लाएंगे। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से हम और महागठबंधन दलों के बीच अनबन का सिलसिला जारी है। सभा के संबोधन से पहले कन्हैया कुमार को पुलिस बल ने रोका। CPI नेता कन्हैया कुमार आज बेतिया के कुड़िया में CAA और NRC के खिलाफ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर अनुमति न मिलने के बावजूद उन्होंने सभा का आयोजन किया था, जिसको देखते हुए बेतिया की पुलिस ने उन्हें सभा में जाने से पहले ही भीतरवा गांधी आश्रम में ही रोक दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए समर्थकों को शांत करने के लिए कन्हैया कुमार ने आश्रम के गेट के अंदर से ही अपनी जनसभा को संबोधित किया। 175 साल बाद बने विशेष संयोग में मनाई जा रही है सरस्वती पूजा। आज पूरे बिहार में बसंत पंचमी की धूम दिखाई दी। सुबह से ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना से शहर और गांव में भी उत्सव का माहौल रहा। वहीं आज की पूजा की बात करें तो विद्वानों का कहना है कि इस साल सरस्वती पूजा के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि का बनना यह संयोग 175 साल बाद आया है। इस बार बसंत पंचमी के तीन प्रमुख ग्रह खुद की राशि में ही है, जिसके तहत मंगल वृश्चिक में, बृहस्पति धनु में और शनि मकर राशि में मौजूद है। ग्रहों का ऐसा संयोग 1845 में बना था। सर्जियल के बाद अब पुलिस खोज रही है उसके मोबाइल को। अमर्यादित बयान देने के बाद पकड़े गए JNU छात्र सर्जियल इमाम ने अपनी गलतियों का कबूलनामा पुलिस के सामने कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस अब सर्जियल के मोबाइल की तलाश में जुट गई है। इसी क्रम में जल्द ही दिल्ली पुलिस सर्जियल के मोबाइल की तलाश में एक बार फिर से पटना आकर मोबाइल ढूंढने का काम करेगी। खबरों की माने तो सर्जियल के शाहीन बाग में दिए गए भाषण के वीडियो के बाहर आने के बाद सर्जियल ने अपने परिवार वालों की मदद से अपने फोन को कहीं और भेज दिया था, जिसको अब ढूंढने का काम दिल्ली पुलिस करने वाली है। दिल्ली और वाराणसी के बीच जल्द दिखाई देगी हाई स्पीड ट्रेन। दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन की व्यवस्था शुरू होने वाली है, जिसके लिए रेलवे ने 6 हाई स्पीड कॉरिडोर को चिन्हित किया है। वहीं रेलवे विभाग के एक अधिकारी की माने तो आने वाले समय में हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली से वाराणसी तक जाने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी, जिसमें दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु का नाम शामिल है। रेलवे पेंशनर्स को 2020 के बजट में मिल सकता है तोहफा। साल 2020 का बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में सभी विभाग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में रियायत मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में रेलवे विभाग के पेंशन धारकों के लिए भी इस साल का बजट कुछ खास हो सकता है, जिसके तहत इस साल रेल मंत्रालय को नया फंड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, रेलवे मंत्रालय को मिलने वाली यह सौगात पेंशन फंड के रूप में मिल सकती है, जिससे कि रेलवे के वर्तमान 15.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी को इसका फायदा मिल सकता है। कल से 3 दिनों तक बैंक की सेवाएं रहेंगी बंद। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। कल से बैंक की सभी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3 दिनों तक बैंक की कोई भी सुविधा आम नागरिकों को नहीं दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कल से यानी कि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बैंक कर्मी हड़ताल पर है, जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर बैंक के सभी काम बंद रहेंगे। वहीं 2 फरवरी को रविवार होने की वजह से उस दिन साप्ताहिक छुट्टी होगी, यानी कि बैंक की सभी व्यवस्थाएं आम नागरिकों को 3 फरवरी से मिलने की उम्मीद है। कर्नल धोनी की सेना के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। क्रिकेट के मैदान से लगभग 7 महीनों से दूर चल रहे धोनी का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। भले ही धोनी मैदान से बाहर हो, मगर उनके दिनचर्या पर उनके प्रशंसकों की नजर हमेशा बनी रहती है। इसी क्रम में हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है, जिसमें धोनी सेना की ट्रेनिंग के दौरान ली गई एक सैनिक के साथ की कश्मीर के किसी मैदान की तस्वीर है, जिसको देखने के बाद उनके सभी फैंस उनके सेना की ट्रेनिंग की सराहना कर रहे हैं और साथ ही उनसे वापस मैदान में उतरने की अपील भी कर रहे हैं। कांग्रेस का दिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर हुआ नर्म।
जहां एक ओर महागठबंधन दल आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसती रहती, वहीं कांग्रेस का उन्हें लेकर विचार बदल गया है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस का हाथ थामने की नसीहत दी थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश को भाजपा से बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, जिसको सुनने के बाद राजद और रालोसपा की बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया आई है। जहां राजद के जगदानंद सिंह ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है, वहीं रालोसपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की खबर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। जियो और एयरटेल के इन प्लान से 2 GB डेटा हर रोज। अचानक से मोबाइल कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ प्लान्स की कीमतों के बाद अब सभी टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ऑफर्स ला रही है जिससे वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ सके। इसी क्रम में जियो से लेकर एयरटेल कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान को बढ़ा दिया है। साथ ही उन प्लान्स में मिलने वाले डेटा और कॉलिंग की सुविधा को भी बढ़ा दिया है, जिसके तहत अगर हम जियो की बात करें तो जियो ने 249 के प्लान में ग्राहकों को 2 GB डाटा और जियो टू जियो पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी है। वहीं एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने 298 रुपए में अपने मंथली पैकेज की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहकों को 2 GB डेटा समेत अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सेगमेंट पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।